लंबे समय से राजनीतिक दबाव के सदका, राजनीतिक हिस्सेदारी के सदका जो हमारे क्षेत्र में जो है नजायज माइनिंग हो रही है। हम लोगों ने सारे प्रशासन पर पहुंच किया, माइनिंग विभाग में, पुलिस विभाग में, डीसी तक मिले हैं, किसी के कान पे जू नहीं सरकती क्योंकि ऊपर से दबाव ही ना पर इतना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान गढ़शंकर के बिल्कुल बगल में बलाचौर नाम की जगह है, यहाँ पे चांदपुर रुड़की ये गांव है, यहाँ पे आए हैं जानने और समझने के लिए लोगों के मुद्दों को। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे पेबल कहते हैं और इसे, ये जो आप देख रहे हैं इसे बजरी कहते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द पंजाब की राजनीति घूमती है तो आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, लेकिन जी हाँ, इन दोनों एलिमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ की राजनीति में होता है। ये पेबल है और इस पेबल को तोड़कर ये गिट्टी बनाई जाएगी जिससे तमाम तरीके के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्यों लाया हूँ बालाचौर की इस जगह पे, ताकि आपको बता सकूँ कि कितना बड़ा नुकसान जो है पंजाब की इकोलॉजी को हुआ है जब इलीगल माइनिंग ने यहाँ पे दस्तक दी और क्या यहाँ पे हाल किया है। ये पेड़ अगर आप देख रहे हैं तो ये पेड़ बड़े आराम से 8 फीट से ज़्यादा ऊंचा है यहाँ पे, क्योंकि ये इलाका जो है फॉरेस्ट का इलाका है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके की माइनिंग अलाउड नहीं है। इसके बावजूद जो इलीगल माइनर्स हैं उन्होंने तकरीबन 8 फीट से ज़्यादा जो है ये यहाँ पे माइनिंग कर दी है और माइनिंग करने के बाद में इसे इस तरीके से छोड़ दिया है। इस माइनिंग का पैसा जो है यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट होता है ताकि जो है लोग चुप रहें। मेरे बिल्कुल पीछे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो पीछे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से ये पत्थर जो है नीचे आता है और यहाँ की जो मिट्टी है उसको बंजर कर देता है। किसानों को सपना ये दिखाया जाता है कि जब हम आपके यहाँ से पत्थर निकालेंगे तो आपके यहाँ पे मिट्टी डालेंगे ताकि आप फसल उगा पाएं, लेकिन किसानों के हाथ को जमा कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो पत्थर तो माइनस ले जाते हैं लेकिन वो मिट्टी डालने नहीं आते। इसका एक और जो नुकसान यहाँ की इकोलॉजी पर ये हुआ है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स बढ़े हैं जंगली जानवरों के, लोकल जो ट्रैफिक चलता है उसके साथ। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की है, सुनिए उन्हें ताकि आप समझ पाएं कि इलीगल माइनिंग का प्रकोप पंजाब में किस तरीके का है। ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये बलाचौर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक नंबर बूथ है चांदपुर रुड़की। इस क्षेत्र में लगभग सारी जमीन जो है वो जंगलात एक्ट के अधीन आती है। हमारे इस क्षेत्र में दफा 4 और 5 है। इस जमीन में से अगर लोगों ने जो अपना दरख्त लगाए हुए हैं अगर वो कटवाना है तो जंगलात से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे बलाचौर में 200 गांव में किसी भी गांव में माइनिंग के लिए 1 इंच भी स्थान सरकार की तरफ से जो है मंजूरी नहीं है, कोई खड्ड की किसी तरह की कोई ऑक्शन नहीं की हुई। लेकिन फिर भी लंबे समय से राजनीतिक दबाव के सदका, राजनीतिक हिस्सेदारी के सदका जो हमारे क्षेत्र में जो है नजायज माइनिंग हो रही है। ये चांदपुर की के लोगों ने हमें बुलाया था कंडी संघर्ष कमेटी को, वे यहाँ पर क्रय नजायज क्रेशर चल रहा, नजायज माइनिंग हो रही है तो हमारी मदद करो। इसी के ठीक है करांगे। जो हमने देखा तो बहुत वे पद्धर से जी नजायज माइनिंग हो रही है, जोड़ा क्रैशर चल रहा उन्हों कोई कुछ देना नहीं पैंता लोगों को, वो मुफ्त पत्थर इतों साडे खेतों चो ढो के पट के मतलब करोड़ों रुपये जोड़े कमाते हैं, उन्होंने सरकार की शह है, सरकार की शह तो उन्होंने क्रैशर चलता जी। तो लोगों का जोड़ा मुफ्त पत्थर पट के लै जाते लोगों को कुछ नहीं देंगे, ये सरकार ना भी ठगी है तो लोगों ना भी ठगी है जी। जो आप देख रहे हैं ये माइनिंग लगातार हो रही है। जब हमने कंडी संघर्ष कमेटी बनाकर इस मसले को नजायज माइनिंग के खिलाफ जो अक्टूबर 2018 से संघर्ष करना शुरू किया तो यहाँ की बलाचौर की राजनीतिक लोग, पुलिस प्रशासन और सारे पुलिस ने मिलके हमारे ऊपर ही झूठे पर्चे दर्ज कर दिए। ये सबसे दुख की बात यह है कि बलाचौर जो हमारा क्षेत्र है पोजेवाल थाने के इस गाँव में
किसी भी लोगों के इतने बड़े लेवल पे माइनिंग हुई है, लेकिन सरकार ने या पुलिस ने एक भी एफआईआर है जो जिस जमीन से माइनिंग हुई है उस माइनिंग के नाम पे एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। जबकि जो लोग इस माइनिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस नजायज माइनिंग के खिलाफ इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों पर 2 से लेकर 7 तक पर्चे दर्ज किए हुए हैं। यह भी एक बहुत बड़ा दुखांत है। पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबा जहां पे सारा कुछ मिला हुआ है। पहले तो जो अकाली पार्टी के नुमाइंदे थे वो उनकी मिली भुगत से चल रहा था, वो हर गया। और जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है उसी मत से चल रहा है, और जो इसके खिलाफ बोलता है उस पे जानलेवा हमला कराया जाता, हम भी उस हमले के शिकार हैं। तो आपके साथ क्या हुआ था? हमने एक टिप्पर रोक लिया, उन्होंने अपने बंदे बुला लिए, 7-8 बंदे थे, हम 2 बंदे थे। हमारे पर जानलेवा हमला हुआ, मेरे सिर पर 4 टांके लगे हैं, इस साथी के भी 4 टांके लगे हैं। लोगों में ऐसा डर पैदा कर दिया, लोग इसके बोलने के खिलाफ डरते हैं भी, जो इसके खिलाफ बोले तो पर्चा हो जाएगा। वो नजायज पर्चे पुलिस भी मिली हुई है, प्रशासन भी मिला होया, तो लोग फिर किधर नु जान, जो लोगों की कोई सुनता ही नहीं गा। अभी हम थोड़ा ट्रैवल करके जो है यहाँ पे आए हैं, ये शिवालिक की पहाड़ियों की एक रेंज जो है हम कहें शुरू हो जाती है। अब साफ तौर पे देखेंगे कि ये देखिए किस तरीके से पहाड़ों को जो है उजाड़ा गया होगा या उजाड़ा जा रहा है। पहाड़ों को खोद कर जो है यहाँ पे पूरा ग्रेवल निकालने का काम है। इलीगल माइनिंग बड़े स्तर पे, कोई सुनने वाला नहीं है। जो फॉरेस्ट के जो अफसर हैं वो अपनी खानापूर्ति करते हैं ये कह के कि हमने जो है कुछ लोगों पे एफआईआर की है। लेकिन ये देखिए ना कि ये कैसी जो है प्राकृतिक संपदा है जिसको लूटा जा रहा है, जिसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ पर हम कहें कि कानून इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद जो है ये खनन बड़े पैमाने पर जारी है। अभी हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमारे पीछे भी जो है कुछ लोगों को लगाया गया है ताकि वो हमारा हम पर नज़र रख सके। तो ये पूरा मंजर है यहाँ पे इलीगल माइनिंग का, हम आगे जाएंगे। जरा प्रकृति का जरा ये खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों पर असर तो पैंदा ही है जी। मैं थोड़ा बता के हटा भी, जो पट्ठे खराब हो गए, वातावरण खराब होता है, खड़खड़ होती है, लोग सारी रात सुनते नहीं। एक PGI की रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ पत्थरियों की जो भी इस पहाड़ों के नजदीक गांव बसे हैं उनमें पत्थरियों की शिकायत बहुत बन जाती है आम लोगों में। ये दूर के ही कारण है, हाँ जी। स्किन जो भी है, स्किन पर एलर्जी होती है वो भी इस दूर के ही कारण है। तो हमारा एरिया है वे शिवालिक की पहाड़ियों का वाला एरिया है, जो बहुत ही शांत एरिया है, जहाँ पे जब जे नजायज माइनिंग होती है, बड़ी बड़ी पोकलैन मशीन, ट्रक, टिप्पर और जो नजायज क्रेशर लगे हुए हैं, चांदपुर रुड़की में सिद्धि विनायक जो क्रेशर है, नवां ग्राम में गुरु तेग बहादुर खालसा क्रेशर है, जब ये क्रेशर चलते हैं तो इस क्रेशर की आवाज से जो हमारे जीव जंतु पंछी हैं उनको बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि सारी रात जो आवाज है पत्थर की, ये हमारे गांव से 3 किलोमीटर क्रेशर लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारी आवाज है, इन क्रेशरों की आवाज है, मेरे गांव रौड़ी तक जो पहुंचती है, हमें जो है नींद नहीं आती। जो पत्थरों की खड़खड़ की आवाज है वो सारी रात परेशान करती है, जो पंछियों को परेशान करती है। पंछी जो है अपना जहाँ रहन बसेरा नहीं बना रहे, वो इस जंगल को छोड़ के, इस जमीन को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। वातावरण प्रदूषित होता, जो बच्चे पढ़ने जाते स्कूल दे, जो शाम आते इन्ना इन्ना उन्होंने सिर पर घट्टा जमया होंगे, रात को लोग कपड़े नहीं बाहर पा सकते, वो सारे जो खराब हो जाते हैं। जोड़ा चारा पशुओं ने खाना वो इन्ना इन्ना मिट्टी जम जाती है, जो रात को तेज पैंती है उस क्रैशर चलता इन्ना इन्ना घट्टा जम जाता, तो जो पशु पट्ठे खाते बीमार हो जाएंगे। इसका हमारे जानवरों पर, हमारी फसलों पर पहले असर पड़ता है। इसका पहला चरण जो भी है उससे हमारी जो भी है जानवरों में दिक्कत आती है, जो भी प्रेगनेंसी के टाइम दिक्कत आती है, दूध के ऊपर जो भी है वो भी दिक्कत आती है, क्योंकि जो भी पट्ठे में वो तत्व आते हैं, जो भी मिश्रण होता है, उनसे हमारे डंगरों को यानी कि जानवरों को काफी खराब होने की आशंका रहती है। हमें हमारे जहाँ इस क्षेत्र में जंगली जानवर जो हैं, जो आवारा जानवर है वो जंगल में रह के अपना गुजारा करते हैं, लेकिन जब ये क्रेशर चलते हैं, जब ये नजायज माइनिंग होती है,
तो जो जो जंगली जानवर और आवारा पशु हैं वो उस खटखट से डर के वो सड़क पे आते हैं। जब सड़क पे आते हैं तो बहुत से लोगों के साथ व्हीकलों के साथ ये एक्सीडेंट दुर्घटना करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कीमती जान गवा चुके हैं। इस तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अभी 20 दिन पहले हमारी ये गाय खराब हुई है जी। नुकसान है जी, एक जानवर आपको सही दूध दे रहा है, वो प्रेग्नेंट हो गया है, ये 4-5 महीने के बाद वो बच्चा अपना गिरा देता है, तो उसके कारण वो वहाँ दूध पर नहीं आता ना, उनकी वो फिर आगे प्रेगनेंसी होती है अच्छे से, फिर वो यानी के डंगर खराब हो जाता है। हमारा जो पानी है जो पहले ही बहुत ही डूंघाई पे है, जो पंजाब का सबसे डूंगा पानी जो हमारे कंडी क्षेत्र में है, 600 फुट पे पानी है, जिस तरफ से माइनिंग की जा रही है, नजायज माइनिंग की जा रही है, तो एक सबसे बड़ा कारण यही है, जब इसमें से 20 फुट 15 फुट पत्थर निकाल लिया जाता है तो जो धरती है वो धरती है बंदर बंजर हो जाएगी, क्योंकि इस धरती का जो कोई 3 फीट तक जो परत है वो उपजाऊ होती है, 3 फीट के नीचे वाली जो परत है वो उपजाऊ नहीं होती। ये जो नजायज माइनिंग करते हैं, जो किसानों को लोगों को लालच देते हैं कि जो आपकी जमीन है इसमें पत्थर है, हम जहां से पत्थर लेके जाएंगे आपके खेत में आपकी जमीन में मिट्टी डालेंगे, जिसके कारण आप जहां पे फसल जो है बीज सकेंगे, लेकिन हो इससे उल्ट रहा है। ना तो वो पत्थर जो किसानों की जमीन में मिट्टी डालते हैं, और वो लगातार इस महीने के ना तो कोई सरकारी खजाने में कोई पैसा जाता है, जो जो रॉयल्टी का पैसा है अगर सरकार मंजूर करे तो मान लो 1 फीट का जो है 4 रुपये सरकार टैक्स लेती है, तो हर रोज सैपड़े टिप्पर ट्रैक्टर ट्रालियां जहां से गटके के पत्थर जो होते हैं वो क्रेशर को जाते हैं, क्रेशर से 24 घंटे वो पंजाब के बख बख हिस्सों में, नवांशहर में, लुधियाना में, हुशियारपुर में, जो जो बजरी है वो सारी वहां पे सप्लाई होती है सारे पंजाब में। एक तरफ से एक और जो मसला है वो अभी इस हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग शहरों में बैठे हैं, उन्होंने एक नया काम कर दिया। एक तो पोक लाइन के साथ जो है उठाते हैं, लेकिन एक इन्होंने और कर दिया, जो शहरों में गार्डन में सजावट के लिए पत्थर लेके जाते हैं, हमारे वहां शहरों के लोग जो है पैसा कमाते हैं, जहां से लेबर को लगा के हमारी पत्थर को जो है वो जेसीबी से उखाड़ के जमीन में से उखाड़ते हैं, और लेबर को 500 रुपया प्रति ट्राली भरने का देते हैं, वो गाड़ियों में लोड करके चंडीगढ़, जयपुर, जो वहां तक जाता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो बठिंडा की रिफाइनरी है उसमें, उस रिफाइनरी में ज्यादा सर जो पत्थर लगा हुआ सजावट के लिए वो हमारे क्षेत्र से गया हुआ है। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग हो रही है हमारे लोगों के साथ, यही धक्का हो रहा है, वो सरकार के खजाने को भी करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जैसे कोई पार्टी बदल जाती है, जो लटेरे हैं बदल के उसके पास चले जाते हैं, जो चोरी करते हैं वो क्यों करेंगे, क्योंकि उनको हिस्सा पत्ती जाता है घर बैठे ही। उन्होंने लोगों के लिए काम ही नहीं करना, काम तो अपने लिए करना जी। वो तो ऐसा ढंग बनाते हैं कैसे ना कैसे, मतलब कुर्सी तक पहुंच जाए, फिर उन लोगों से उन्होंने कोई लेना देना नहीं, फिर किसी ने 5 साल की बात नहीं पूछनी।